हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर एकदम व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम क्या करेंगे, समाचार व संपादकीय न्यूज को पढ़ेंगे, जिससे कि ये हमारी समझ को विकसित करेंगे, साथ ही नए विचारों का जन्म लेगा और हमारे दिमाग में नए विचारों को सोचने समझने की शक्ति या फिर क्षमता उत्पन्न होगी। साथ ही दूरदर्शी सोच समझ की भी क्षमता विकसित होगी, जिसका प्रयोग हम अपने उत्तर लेखन में आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विजय संगल आज से रोज 2 या 3 संपादकीय को पढ़कर सुनाया करूंगा। अतः आपसे अनुरोध है या निवेदन है तो आप सब अपना प्यार एवं स्नेह प्रदान कर मुझे और मेरे कार्य को प्रोत्साहन प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल यानी कि संपादकीय। अभी हाल में ही हमारे प्यारे भारत के प्रधानमंत्री जी रूस की यात्रा पर गए, तो उसी पर एडिटोरियल आया हुआ है यानी संपादकीय आया हुआ है, डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता जी द्वारा लिखा गया, जो कि रिसर्चर स्कॉलर सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एसोसिएशन एशियन स्टडीज GNU के हैं, कि मोदी की रूस यात्रा के निहितार्थ, मतलब क्या निहितार्थ है, देखने का क्या नजरिया है, तो इसको पढ़ेंगे हम। गत दिनों भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की 22वीं बैठक मॉस्को में आयोजित हुई। क्वेश्चन यहां से ही बन जाएगा कि कहां पर हुई, तो ये कहां पर हुई मेरे प्यारे दोस्तों, ये हुई कहां पर, मॉस्को में। तो हमें अंडरलाइन कर लेना है मॉस्को में कहां पर, मॉस्को। मॉस्को किसकी राजधानी है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों, वैश्विक राजनीति, यूक्रेन संकट और क्षेत्रीय स्थिरता एवं शांति को लेकर विशेष बातचीत हुई। मोदी पुतिन की इस मुलाकात से नाटो सदस्य एवं यूक्रेन काफी असहज दिखे, यहां तक कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति व्लोदोमीर जेलेंस्की ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात को निराशाजनक बताया और मोदी की रूस यात्रा पर चिंता व्यक्त की। असल में नरेंद्र मोदी जी की रूस यात्रा अचानक निर्धारित हुई, जिसकी तनिक भी उम्मीद पश्चिमी देशों ने नहीं की थी। इसकी वजह से नाटो देशों है, NATO नाटो देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। लगातार तीसरी बार सरकार गठन के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में रूस को चुना। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी सरकार को प्राथमिकता रूस है। किसकी? उनकी सरकार की प्राथमिकता रूस है, और यही वह बात है जो पश्चिमी देशों को खल रही है। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के पश्चात से ही अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। उन्होंने रूस को वैश्विक समुदाय से अलग थलग करने की कोशिश की। नाटो ने रूस पर आक्रमण की धमकी तक दी। इस कड़ी में यूरोपीय देशों और अमेरिका ने भारत पर भी शामदाम नीति का प्रयोग किया। इसकी वजह से भारत ने रूस और पश्चिमी देशों के मध्य संतुलित संबंधों पर जोर प्रदान किया। भारत ने युद्ध को लेकर रूस का प्रत्यक्ष विरोध तो नहीं किया, लेकिन समय समय पर विभिन्न मंचों से रूस और यूक्रेन से शांति वार्ता की अपील जरूर करता रहा है। सितंबर 2022 में SCO यानी शंघाई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। इसके लिए पश्चिमी देशों ने नरेंद्र मोदी की काफी प्रशंसा की और यूक्रेन भी इस बात से लगभग सहमत था। किस बात से? यह समय युद्ध का नहीं है, यह कमेंट किसने कहा? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेसिडेंट ऑफ रसिया की
किसको? राष्ट्रपति पुतिन को कहा है। तो क्वेश्चन बनेगा भाई, नॉर्मल क्वेश्चन भी बन जाता है क्योंकि अभी रूस और भारत की वार्ता हो रही है, तो उसमें रूस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो इनका नाम है पुतिन। क्लियर। नेक्स्ट कि रूस से बेहतर संबंधों के पश्चात भारत की सहानुभूति यूक्रेन के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत रूस संबंधों की जड़ें गहरी हैं और दोनों ही देश स्वाभाविक और पारंपरिक मित्र हैं, लेकिन यूक्रेन संकट के पश्चात से मोदी की पहली रूस यात्रा है। जब से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध उत्पन्न हुआ है तब से लेकर अब भारत की ये पहली रूस यात्रा है। दूसरे शब्दों में कहे तो यूक्रेन संकट के पश्चात भारत कहीं ना कहीं रूस और पश्चिम देशों के साथ संबंधों को सहेजने में लगा हुआ था, लेकिन यह बात अब स्पष्ट हो जाती है कि पश्चिमी देशों से मजबूत संबंधों के साथ रूस भारत की प्राथमिकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के रूस पहुंचते ही भारत ने अपनी बात फिर से दोहराई कि युद्ध के मैदान से रूस यूक्रेन संघर्ष का हल नहीं निकल सकता है। इसके बावजूद अन्य कई कारण हैं जो अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को असहज कर रहे हैं। रूस विरोधी सैनिक संगठन नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए इन दिनों नाटो सदस्य देश वाशिंगटन में एकत्रित हुए। कहां पर? वाशिंगटन यानी यूएसए में। ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट है, पूछ लेंगे कि भाई 75वीं वर्षगांठ किसकी? नाटो की। कहां पर हो रही है? तो ये 75वीं है और कहां पर? वाशिंगटन में। क्लियर। इस बीच मोदी पुतिन मुलाकात ने नाटो देशों के जश्न को फीका कर दिया है। विश्व समुदाय को स्पष्ट दिख रहा है कि रूस को अलग थलग करने की पश्चिमी देशों की योजना बेकार साबित हुई है। इससे नाटो की शाख पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जिसका जवाब अमेरिका या अन्य सदस्य देशों के पास नहीं है। उनकी यह खींच देखी जा सकती है कि अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, ये भी एक फैक्ट है कि द वाशिंगटन पोस्ट किस कंट्री का न्यूज़पेपर है, क्लियर, कि नरेंद्र मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति को गले लगाना साफ संकेत देता है कि अमेरिका चाहे जितना भी प्रयास कर ले भारत को अपने पक्ष में लाने की, भारत रूस के साथ खड़ा रहेगा चाहे अमेरिका कितना भी प्रयास कर ले। ये बात किसने कही? द वाशिंगटन पोस्ट में, अमेरिकी अखबार है। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, ये भी अमेरिका का ही अखबार है, पीएम मोदी का दौरा संकेत है कि पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने अपना कूटनीतिक रास्ता नहीं बदला है। यूक्रेन युद्ध के बाद से हम देख रहे हैं कि रूस के पक्ष में चीन न केवल खुलकर खड़ा है बल्कि दोनों के बीच रिश्ते और गहरे हुए हैं। दूसरी तरफ 2020 में गलवान घाटी के खूनी संघर्ष के बाद से चीन के खिलाफ भारत को अमेरिका ने पूर्ण समर्थन प्रदान किया है। इससे अमेरिका को पूरी उम्मीद है कि रूस चीन में बढ़ती मित्रता के विकल्प के रूप में भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ होगा। लेकिन मोदी की इस यात्रा ने अमेरिका की उम्मीदों को झटका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा और पुतिन से वार्ता को लेकर भले ही अमेरिका और यूरोपीय देश असहज हों, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से यह यात्रा अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। मोदी की इस यात्रा को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखना ज्यादा उचित होगा। यूक्रेन पर आक्रमण के 2.5 साल बीत जाने के पश्चात भी पश्चिमी देश रूस का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। दूसरी तरफ यूरोप का राजनीतिक समीकरण भी बदल रहा है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही मुक्त व्यापार समझौता FTA पर दोनों देश कौन-कौन यूके और भारत के बीच हस्ताक्षर होंगे, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात लेबर पार्टी की सरकार की वापसी के बाद यह समझौता ठंडे बस्ते में जाने की आशंका है। फ्रांस में त्रिशंकु परिणाम के बीच इमैनुअल मैक्रों की सत्ता खतरे में आ गई है।
अब बदले समीकरण में फ्रांस की सरकार का भारत के प्रति क्या रुख होगा अनिश्चित है। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के संयोग बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वही व्यक्ति हैं जो 2019 में नाटो को समाप्त करने की वकालत करने में लगे थे। वह अमेरिकी विदेश नीति के विपरीत रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मित्रवत व्यवहार रखते थे। कौन? अमेरिकी प्रेसिडेंट। कौन? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन सारी बातों का निचोड़ यह है कि यूरोप और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अगले कुछ समय तक असमंजस की स्थिति में रहने वाले हैं। ऐसे में यूरोप और एशिया में शक्ति संतुलन की दृष्टि से नाटो के बजाय रूस का बेहतरीन साझेदार साबित होगा। इस संबंध में नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा भारत के राष्ट्रीय हितों का सुनहरा अवसर या सुनहरा भविष्य तय करने वाली होगी। तो इस पूरे आर्टिकल में हमने एक तो जिक्र किया मॉस्को में 22वीं बैठक हुई भारत और रूस की वार्षिक शिखर सम्मेलन की, और एक नाटो, नाटो मतलब NATO, नाटो, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो क्लियर, इसकी एक तो फुल फॉर्म हमें देखना है। और इसकी स्थापना यानी फॉर्मेशन कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ, फॉर्मेशन हुआ इसका 4 अप्रैल 1949 को। ये एक नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, हेडक्वार्टर ये तो होगी नाटो की फुल फॉर्म और फॉर्मेशन हो गया, हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम। क्लियर, हेडक्वार्टर हो गया। और वर्तमान में यानी प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं इसमें, मेंबर कितने हैं, मेंबर हैं इसमें 32, कितने 32 मेंबर्स हैं इसमें। क्लियर, जो नेक्स्ट आया था हमारा आया था SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक तो इसकी हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और कब इसको, इसको फॉर्म किया गया था, फॉर्म कब किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये किया गया था फॉर्मेशन 15 जून 2001 में। क्लियर, वर्तमान समय में कितने मेंबर हैं इसमें ये हमें पता होना चाहिए, टोटल कितने। पहले तो हेडक्वार्टर देख लो इसका, हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग, बीजिंग हो गया। मेंबर कितने हैं, मेंबर हैं इसके अंदर 10, कौन कौन से, चाइना, इंडिया, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इसमें कितने, 10 सदस्य हो गए। तो हमारे दो संगठन के बारे में भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, नाटो और SCO। क्लियर, अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे हम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला आर्टिकल आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, मोदी की रूस यात्रा के निहितार्थ। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो अभी ना रसिया की, रसिया में ना भारत की प्रधानमंत्री जी की यात्रा चली हुई थी, चली हुई है, तो उसको लेकर कुछ एडिटोरियल अभी ऐसे ही आएंगे,
तो हम इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। दो आर्टिकल आ रहे हैं इसी को कि भारत के हर संकट का साथी रहा है रूस। तो ये डॉक्टर सुशील कुमार जी हैं, निदेशक YS रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो देखते हैं इनके विचार। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। नाटो के सभी 32 देश, अभी हमने देखा भी है, रूस को पस्त करने के लिए रोज नए उपाय कर रहे हैं। इसी दौर में रूस और चीन की दोस्ती भी कुछ हद तक फलक पर दिखने लगी है। चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने पिछले साल रूस का दौरा किया था। जाहिर है इस बदले माहौल में भारत को भी अपने सदाबहार मित्र रूस के साथ द्विपक्षीय भेंट करना स्वाभाविक हो गया था। नतीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की 2 दिवसीय यात्रा की। इस दौरान हुई भारत रूस शिखर वार्ता में मोदी और पुतिन ने कई अहम मुद्दों पर सहमति जताई, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी शामिल है। कितना? द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी शामिल है। कब तक? 2030 तक के लिए द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, पुतिन ने मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया। ये भी अंडरलाइन होगा कि हाल में ही प्रधानमंत्री जी को कौन सी कंट्री ने सम्मानित किया। तो पुतिन ने मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। यह इस बात को साबित करता है कि दोनों देशों के संबंधों में गर्माहट बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक रूस समेत 1 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। यह सिलसिला 2016 में अफगानिस्तान तत्पश्चात सऊदी अरब में शुरू हुआ था। तो पूछ लेगा स्टार्ट कहां से हुआ, तो ये 2016 में शुरुआत हुई थी अफगानिस्तान में पहले, फिर उसके पश्चात सऊदी अरब में। नेक्स्ट, बीते 7 दशकों से भारत एक गुटनिरपेक्ष देश रहा है। कैसा देश रहा है? गुटनिरपेक्ष देश रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को अपनी सीमाओं में रहते हुए तय किया है। इसके बावजूद मोदी की रूस यात्रा चीन और अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के लिए मंथन का विषय बन गया है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि रूस और भारत की दोस्ती दशकों पुरानी है, यह मित्रता दोनों देशों के परस्पर सहयोग से लगातार आगे भी बढ़ रही है। वैसे दो देशों के संबंध इस बात पर अधिक टिके होते हैं कि उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति के साथ संप्रभुता कितनी अक्षुण है। तो इन्हें भी अंडरलाइन करिएगा कि दो देशों के संबंध किन किन बातों पर अधिक टिके होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक पर और आर्थिक प्रगति के साथ संप्रभुता पर कितनी अक्षुण है। क्लियर? नेक्स्ट, पुतिन से मुलाकात के दौरान मोदी कहा कि दुनिया जब खाद्य पदार्थों, ईंधन और उर्वरक की कमी का सामना कर रही थी, तब हमने रूस की मदद से अपने किसानों, नागरिकों के समक्ष समस्या नहीं आने दी। वहीं पुतिन ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश के लिए मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यूक्रेन संकट का हल करने की कोशिश के लिए मैं आपका आभारी हूं। किसने कहा? ये कहा पुतिन ने। देखा जाए तो दोनों देशों के रिश्ते शीत युद्ध के पश्चात के दौर में और उसके बाद भी प्रगाढ़ हुए, यानी मजबूत हुए हैं। पिछले 8 दशक में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बदल गए हैं। कई देश गृह युद्ध की आग में झुलस गए और कई देशों के बीच रिश्तों में गिरावट आई, मगर भारत और रूस आज तक बिना खटास के मित्रता निभा रहे हैं। भारत की हर मुश्किल में रूस खड़ा रहा है। दुनिया की परवाह किए बिना रूस अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी दोस्ती निभाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने 22 जून 1962 को अपने सोवियत वीटो है का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे पर भारत के समर्थन में किया था।
हालांकि 1961 में 99 वीटो का इस्तेमाल भी वह भारत के लिए ही किया था जो गोवा के मसले पर था। इस प्रकार पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में रूस वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहा है, जबकि पड़ोसी चीन ठीक इसके उलट कार्य करता रहा है। हालांकि कई मुद्दों पर रूस के साथ अपने संबंधों को भुनाना हमारे लिए अभी भी बाकी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत कई बिंदुओं पर रूस भारत के काम आ सकता है। साथ ही वैश्विक मंचों पर कूटनीतिक संतुलन बनाने के मामले में भी रूस का साथ हमारे लिए कहीं अधिक उपयोगी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा आज का एडिटोरियल रहा है, किसको लेकर, भारत रूस की यात्रा के क्या क्या निहितार्थ हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा चीन के साथ अमेरिका से भी सतर्क रहे भारत। ये एडिटोरियल हमें सतर्क रहने यानी चेतावनी दे रहा है कि चीन तो है ही दोगला आदमी, अमेरिका भी कम दोगला नहीं है। ये हैं हमारे दिव्य कुमार सेती, जिन्होंने ये अपने विचार व्यक्त किए हैं भारत को लेकर कि चीन और अमेरिका से सतर्क रहने की जरूरत है। केवल एक ही से ही सतर्क नहीं रहना, ये दोनों ही से ही सतर्क रहना है। तो हम देखेंगे इसको अच्छे से। यह दिख रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा पश्चिमी देशों को रास नहीं आई, लेकिन भारत के लिए पश्चिम और खासकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर आग मूंद कर भरोसा न करने के पर्याप्त कारण है। अमेरिका अपने हितों की खातिर चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल तो करना चाहता है, पर भारत के हितों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं दिखता। एक्चुअली अभी भारत और रूस की मतलब भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा है, तो उसके हमारे राइटर जो कह रहे हैं कि केवल अमेरिका से ही सतर्क नहीं रहना, अब चाइना से भी सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो चाइना है ना, ये रसिया का भी मित्र है ना, और रसिया भारत का मित्र है। क्लियर? तो इस चीज़ को लेकर राइटर ने चेताया है कि केवल अमेरिका से ही सचेत नहीं रहना, चाइना से भी सचेत रहना है। इसका एक संकेत तब मिला था जब पिछले दिनों अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत यात्रा के दौरान तिब्बती बौद्धों के सर्वोच्च धर्मगुरु और नेता दलाई लामा से धर्मशाला में मुलाकात की थी। बाद में यह समूह प्रधानमंत्री मोदी से भी मिला। मंत्रिमंडल का नेतृत्व तिब्बत से जुड़े मामलों पर मुखर रही वरिष्ठ अमेरिकी सांसद नैन्सी पेलोसी कर रही थी। पेलोसी ने अपने भाषण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में भारत की धरती से सख्त शब्दों का प्रयोग किया, पर उन्होंने भारत के प्रति चीन के आक्रामक रवैये पर कुछ खास नहीं कहा। अमेरिका इस समय चीन के साथ प्रभुत्व के संघर्ष में उलझा हुआ है, तो नैन्सी पेलोसी की बातें हैरान करने वाली नहीं है। यहाँ भारत का बदला हुआ रुख उल्लेखनीय है। वर्ष 1993 के सीमा शांति समझौते और फिर 1993 के सीमा शांति समझौते और फिर 2013 तक चीन के साथ मधुर व्यापारिक संबंधों के दौर में नई दिल्ली में बैठी सरकारों ने चीन को नाराज न करने के उद्देश्य से दलाई लामा से दूरी बनाने की नीति अपना रखी थी। भारत में सरकारों के शिथिल रवैये का लाभ उठाकर चीन हमारे तमाम हिस्सों पर अपना दावा करने का दुस्साहस दिखाने लगा। 2020 में जब गलवान घाटी में पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा, तब भारत ने चीन को उसकी भाषा में ही जवाब देना शुरू किया। उसके पश्चात से दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव रह रहकर सिर उठाता रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं दिखता। अब वह पाकिस्तान से 1963 में अवैध रूप से हासिल की गई शक्षगाम घाटी में एक नई सड़क बना रहा है। कहां पर? शक्षगाम घाटी में, ठीक है। यह पाकिस्तान के साथ मिलकर सियाचिन और काराकोरम क्षेत्र में भारत को तीन ओर से घेरने का प्रयास हो सकता है, लेकिन इसे सिर्फ भारत चीन संबंधों के सीमित संदर्भ में नहीं देखा जा सकता। चीन की ओर से ताइवान पर भी हमले का खतरा
निरंतर मंडरा रहा है। वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो अमेरिकी लिबरल खेमे की सह पर यूक्रेन जिस प्रकार रूस के विरुद्ध डटा हुआ है, उससे एशिया को लेकर अमेरिकी समीकरण बिगड़ गए हैं। इस युद्ध के चलते पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस चीन पर अत्यधिक निर्भर होता जा रहा है। बीते दिनों पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा भी किया। ईरान भी अब रूस चीन के खेमे में ही है। एक ओर इसराइल और दूसरी ओर यूक्रेन के सामरिक मोर्चे पर फंसे अमेरिका को अब ताइवान की सुरक्षा को लेकर भी दबाव महसूस हो रहा है। इराक और अफगानिस्तान के लंबे खिंचे युद्धों में भारी नुकसान उठा चुका अमेरिका संभवतः ताइवान की सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों का खून नहीं बहाना चाहता, क्योंकि अभी तक इसने क्या किया था, इराक और अफगानिस्तान में भी लंबे समय तक युद्ध का भारी खर्चा उठाया था, है ना। चिंता की बात यह भी है कि ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर में चीनी सेना की शक्ति निरंतर बढ़ रही है। अगर ताइवान को लेकर चीनी और अमेरिकी नौसेना में सीधी झड़प होती है तो भरी पूरी आशंका है कि अमेरिकी नौसेना को भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। जब गलवान में भारत ने चीन को करारा जवाब दिया तो पश्चिमी मीडिया ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उसने कहा था कि पूरे एशिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश दिखाई पड़ता है जो चीन का रास्ता रोक सकता है। ऐसे में चीन के साथ शक्ति संतुलन और सीधी सैन्य झड़प की स्थिति में अमेरिका के लिए भारत का महत्व बहुत अधिक है। इसके बावजूद अमेरिकी नीतिकार, विशेषकर उसका लिबरल खेमा, दुविधा में दिखता है। एक ओर जहां वह भारत के बल पर चीन की शक्ति को संतुलित करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर भारत के कंधे पर रखकर बंदूक भी चलाना चाहता है। रूस के साथ भारत के संबंध उसे खटकते हैं। वह अपनी समस्या को भारत की समस्या बनाना चाहता है। असल में चीन को रोकने के मुख्य लक्ष्य पर ध्यान देने की जगह शीत युद्ध वाली मानसिकता के साथ अमेरिकी नीतिकार रूस से परोक्ष युद्ध में उलझे हैं और इस पूरी स्थिति का लाभ चीन उठा रहा है। पीएम मोदी की हालिया रूस यात्रा से पहले अमेरिकी राजदूत यह कहते सुनाई पड़े कि प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ व्यापार कर रही भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। अमेरिका भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी अनदेखा कर रहा है। अमेरिका और उसके मित्र देश खालिस्तानी आतंकवादियों को खुलकर संरक्षण दे रहे हैं। यही काम कनाडा और भी अधिक खुलकर कर रहा है। आए दिन भारत को धमकाने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकियों की अमेरिकी एजेंसियां ढाल बनी हुई है। इस मामले में भारत को दबाव में लेने के लिए निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि निखिल गुप्ता पर लगाए गए आरोपों का एकमात्र गवाह अमेरिकी खुफिया एजेंसी DEA का ही एक अधिकारी है। यह वही एजेंसी है जिसके लिए 26/11 मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता डेविड हेडली काम करता था। हेडली को अमेरिका ने आज तक भारत को नहीं सौंपा। मणिपुर से लेकर म्यांमार तक फैली अस्थिरता में अमेरिकी एजेंसी की संदिग्ध भूमिका अब जाहिर हो चुकी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तो यहां तक कह चुकी है कि अमेरिका इस क्षेत्र में एक ईसाई राष्ट्र बनाना चाहता है ताकि चीन के विरुद्ध उसका अपना एक बेस तैयार हो सके। ऐसे में अमेरिका को यह निर्णय करना होगा कि यदि उसे चीन के विरुद्ध भारत की मदद चाहिए तो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करे। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के शासनकाल में यह कठिन लगता है। वास्तव में यदि चीन प्रत्यक्ष रूप में हमलावर है तो अमेरिका भी विश्वास करने लायक मित्र नहीं दिखता। इसलिए यह भारतीय विदेश नीति की कठिन परीक्षा का समय है। भारत को चीन के साथ अमेरिका से भी सतर्क रहना होगा। ये विचार थे हमारे लेखक, काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबंध सामरिक विश्लेषक हैं कौन, ये हमारे दिव्य कुमार सोती जी, जिन्होंने भारत को सतर्क और चेताया है कि केवल
अमेरिका से ही चौकन्ना नहीं रहना है, चीन जैसे राष्ट्रों से भी चौकन्ना रहना है, क्योंकि ये दोनों अपने अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर ही व्यापार, साझेदारी, दोस्ती निभाते हैं। आई होप आपको अभी तक के ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, अभी हाल में ही ना सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है, बहुत बड़ा फैसला है, इस पे गौर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश व्यापक प्रभाव वाला है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता पाने के अधिकारी हैं। यह इसलिए एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी सरकार की ओर से उठाए गए एक गलत कदम का प्रतिकार करने के साथ ही मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम किया है। एक तरह से यह निर्णय के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यही रेखांकित किया है कि बहुचर्चित साहबानो मामले में उसकी ओर से दिया गया फैसला सर्वथा उचित एवं संविधान सम्मत था और राजीव गांधी सरकार ने उसे पलटकर सही निर्णय नहीं किया था। ज्ञात हो कि साहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का 1985 का फैसला भी गुजारा भत्ते से संबंधित था। जस्ट अ मिनट, साहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का 1985 का फैसला भी गुजारा भत्ते से संबंधित था, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राजीव गांधी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राजीव गांधी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया था और 1986 में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के दबाव में आकर उनके मन मुताबिक और शरिया के अनुकूल मुस्लिम महिला अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह अधिनियम किसी पंथ निरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। किसके तहत? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। क्लियर? पंथ निरपेक्ष कानून, इस पर भी बात करेंगे। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल यही नहीं कह रहा कि अलग अलग समुदाय की महिलाओं को भिन्न भिन्न कानूनों से संचालित नहीं किया जा सकता, बल्कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता भी जता रहा है। अब ये क्या है भैया, इस पर भी चर्चा करेंगे। समान नागरिक संहिता, ये हमारे संविधान ने संविधान निर्माताओं द्वारा कौन से भाग में रखा है और कौन से आर्टिकल में रखा गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ यह भी संदेह रहा है कि देश के लोग संविधान से चलेंगे, न कि अपने पर्सनल कानूनों से, चाहे जिस पंथ मजहब के हों। यह अपेक्षा अनुचित नहीं कि विपक्षी दलों के वे नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की प्रशंसा करने के लिए आगे आए जो पिछले कुछ समय से संसद के भीतर बाहर संसद की प्रतियां लेकर लहराकर यह दावा करने में लगे हुए हैं कि उन्होंने उसकी रक्षा की है और वे उसे बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सच्ची है तो उन्हें इस फैसले का स्वागत करना ही चाहिए। इसकी भरी पूरी आशंका है कि इस फैसले से कुछ मुस्लिम संगठन असहमति जताने के साथ ही उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे। पता नहीं वे क्या करेंगे, लेकिन राहत की बात यह है कि इस समय केंद्र में मोदी सरकार है, न कि तथागठित सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाली कोई सरकार। यह सही समय है कि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े। इसका कोई औचित्य नहीं कि देश में अलग अलग समुदायों के लिए तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि के नियम कानून इस आधार पर हो कि उनका मत, उनका पंथ, मजहब क्या है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब समान नागरिक संहिता हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भाग 4 के अंतर्गत यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व
निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता संबंधी प्रावधान है, हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया है। क्लियर? चलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको कैसा लगा आज का ये लेक्चर? उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज पहला दिन था और 3-4 एडिटोरियल हमने अच्छे से समझे इसमें। एक तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और एक चीन के साथ अमेरिका से सतर्क रहे भारत और मोदी की रूस यात्रा के निहितार्थ और भारत के हर संकट का साथी रहा है रूस, इस संबंधी हमने अच्छे से लाभ लिया है और अच्छे से इसकी रीडिंग की है और जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो भी मैंने आपको अलग से स्लाइड में समझाए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक्स करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल सिरी एजुकेटर्स, जो भी नए छात्र छात्राएं चैनल को पहली बार विजिट कर पा रहे हैं उनसे अनुरोध है वो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद।